अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है सबका। वेलकम बैक हो गया एक और मज़ेदार वीडियो के अंदर। अच्छा यार, आज की जो क्लचेज आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, और इस वीडियो के एंड के ऊपर आपका भाई ना आपको अपनी सेंसिटिविटी कंट्रोल कोड भी दे देगा, तो भाई लाजमी से वो भी देख लेना। काफ़ी मज़े की सेंसिटिविटी है, वो आप इस मैच में ना देख लोगे किसे मतलब बंदे शंदे मारता हूँ मैं। बाकी ना यहाँ पे एक स्क्वाड के साथ मेरी फाइट होती है, ये अरबी स्क्वाड होता है, और ना एक बंदा मैं उनको नोक और फिनिश करवा देता हूँ, दूसरा बंदा यहाँ ना ग्रेनेड से नोक हो जाता है। लेकिन जैसे मैं पुश करवाता हूँ ना, मुझे साउंड आता है कि इनका एक बंदा जो है वो बाहर कंटेनर के ऊपर बैठा हुआ है। एक नहीं बल्कि दो बंदे कंटेनर के ऊपर बैठे हैं, तीसरा इनका नोक है, चौथा मैंने मार दिया। तो ना किसी आदमी जब भी कंफर्म नहीं होता वो किस जगह बैठा हुआ है, जैसे हल्का सा साउंड आता है तो मैंने यहाँ पे पुश करा के ना इसको भी यहाँ पे नोक कर लेता हूँ, इसको फिनिश भी करवा देता हूँ लगे हाथ। बाकी इनका जो चौथा बंदा होता है ना, इसी के साथ वो भी नीचे जंप करवा देता है। तो ना आपका भाई जल्दी से अपनी गन शन रिलोड करता है, मेरा एक टीममेट नोक करा जाता है मेरे भाई को। तो मेरे भाई को कैसे टच किया तूने, बैंस की दूम। तो यहाँ मैंने जैसे ये पुश कराता है तो इसको भी यहाँ पे नोक करते हैं, और इन सबको यहाँ पे मैं फिनिश भी करवा देता हूँ लगे हाथ। किसी माइक को थोड़ा सा आगे आते हैं तो ना यहाँ पे मैं जा रहा होता हूँ आराम से उनसे बंदे ढूंढने के लिए, और ना मुझे यहाँ पे बंदे मिल भी जाते हैं भाई। बंदे का पूरा स्क्वाड ही मिल जाता है अरबियों का, वो भी अपग्रेडेड अरबी होते हैं। तो खैर यहाँ पे ना एक अरबी को मैं यहाँ पे नोक कराता हूँ, इसको ना मैं फिनिश नहीं करवाता, मैंने कहा चलो इसके बंदे आएंगे। बाकी वाकई इसका एक बंदा यहाँ पे होता है, ये भी ओपन में आता है, इसको भी यहाँ पे मैं नोक करा लेता हूँ। बाकी जिनके दो बंदे होते हैं ना वो मेरी लेफ्ट साइड पे होते हैं, यानी कि मिड स्टेन वाली साइड पे होते हैं, जिनमें से ना अचानक ये एक बंदा जो होता है मेरा टीममेट आके नोक करवा जाता है, यानी कि नंबर 4 भाईजान को। तो मैं ना जल्दी से नीचे जंप करता हूँ कि यार कहाँ पे टीममेट को कैसे टच किया भाई तूने। खैर इसी के साथ ना ये बंदा ओपन में आ जाता है, तो मैं ना जल्दी से इसको भी पकड़ता हूँ और इसको भी यहाँ पे फिनिश करवा देता हूँ। ये स्क्वाड भी यहाँ पे ओल्ड डेड हो जाती है, आपका भाई जाकर ना मदद से इनकी लूट शूट करता है। बाकी अब चलते हैं इवेंट की फाइट के ऊपर। ना यहाँ पे मेरी लैंडिंग जो होती है थोड़ी सी गलत हो जाती है, और ना मैं मरता मरता बचता हूँ, बस भाग भाग के किस तरह अपनी जान बचा, लेकिन ना यहाँ पे लूट शूट करता हूँ। एक बंदा डाउन, दूसरा बंदा डाउन, तीसरा बंदा डाउन, भाई अन्य वाह बंदे डाउन किए मैंने, और यहाँ पे ना तीन बंदे डाउन किए, और भाई किल मुझे अन्य वाह मिलते हैं, आप लोग बस देखना। फिलहाल ना मैं जल्दी से यहाँ पे पुश करवाता हूँ, मुझे एक बंदे का साउंड आता है कि एक बंदा चेक करो कहाँ पे बैठा हुआ है, मे भी इसका भी कोई साउंड का प्रॉब्लम होगा। तीन बंदे यहाँ पे मतलब मुझे ना टोटली यहाँ पे 5 किल मिल जाते हैं। जो छठा बंदा होता है ना वो भी पिच करवा देता है इतनी देर में, उसके बाद म्यूजी होती है, मैं M4 में ज़रा M4 ग्लेशियर बोलती पब्लिक, तो जंप करा के ना इसको भी यहाँ पे मैं नोक कर लेता हूँ। ये भी बेचारा लो था, मैं भी लो था, उसको लगा यार इसने किट नहीं मारी होगी, तो मेरी किट शुक्र है लग जाती है। बाकी यहाँ पे ना इन सबको मैं फिनिश करवा देता हूँ। अभी ना मैं इनकी लूट ही कर रहा हूँ, तो मैंने गन भी रिलोड नहीं की हुई, इतनी देर में एक डुओ का पुश आ जाता है, तो आपका भाई ना इनके साथ भी प्रॉपर फाइट लेगा। ये बंदे भी काफ़ी अच्छे खेल रहे होते हैं, मतलब नेट शेड मोलियां करा रहे होते हैं कि मैं इनके किस तरह काबू आ जाऊं, लेकिन मैं नहीं आता, ये बंदे मेरे काबू आने वाले हैं। तो ना मैं पहला ग्रेनेड करवाता हूं जो कि मिस हो जाता है, दूसरी मोली करवाता हूं, और भाई मुझे लगता है मेरे ऊपर ही गिर गई है। लेकिन खैर ये मोली बिल्कुल परफेक्ट होती है, और ये दूसरे बंदे के मुंह के ऊपर जाकर गिरती है, और अचानक ना ये बंदा ओपन में आता है, तो मुझे पता चल जाता है कि भाई इसके मुंह पे मोली गिर गई। शुक्र है ये बाहर नहीं भागा, अंदर आ गया, तो मैंने नॉक किया इसको, ना यहाँ पे मैं फिनिश करवा देता हूँ लगे आज। मैंने कहा इसका दूसरा बंदा आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदा फिनिश करा यार, सीधी सी बात जो है। खैर इसी के साथ ना हमारी लाइट भी आ गई माशाल्लाह से। खैर इसी के साथ ना आपका भाई जरा यहाँ पे ना वेट करता है कि ये बंदा किस तरह से आगे पुश करवाए। जैसे मैं लूट करता हूँ ये बंदा आगे आ जाता है, और मैं ना भाई फुल चौसम तरीके से ना इसको यहाँ पे इजीली नोक कर लेता हूँ। उसकी शायद मेरी लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता होती, तो इसको भी यहाँ पे नोक कर मैं फिनिश करवा देता हूँ। बाकी यहाँ पे ना इवेंट में एक ही बंदा रह जाता है लास्ट बंदा, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ ना मुझे साउंड आता है कि बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। तो भाई आपके भाई के पास ग्रेनेड होता है, आपको पता है प्रोफेशनल ग्रेनेडियर बोलती पब्लिक। जल्दी से मैं ना एक ग्रेनेड को कर लेता हूँ, और ये भाई साहब मुझे पूरा यकीन होता है कि यहीं पे बैठे हुए हैं, और ये ग्रेनेड बिल्कुल परफेक्ट जाके इनके मुंह के ऊपर पड़ता है, और गुरु भाई को यहाँ पे मैं नोक और फिनिश भी करवा देता हूँ लगे हाथ। बाकी आते हैं नेक्स्ट इवेंट की फाइट के ऊपर। यहाँ पर ना एक बंदा नोक पड़ा होता है, मुझे नहीं पता किसने नोक किया होता है, और ना मैं जल्दी से यहाँ पे पुश करवाता हूँ एक बंदे को, ना यहाँ पे मैं नोक कर लेता हूँ, दूसरा वैसे नोक पड़ा हुआ था तो फ्री का किल मिल जाता है मुझे। तो यहाँ पे लगे हाथ मुझे 2 किल मिल जाते हैं। बाकी ना इसी के साथ एक स्क्वाड का पुश आ जाता है, पूरा का पूरा स्क्वाड होता है, और भाई क्या खतरनाक पुश आने वाला है, आप लोग देखोगे आप भी हैरान हो जाओगे। खैर फिलहाल तो सामने से बंदे आ रहे हैं, लेफ्ट से बंदे आ रहे हैं, तो मैं ना एक ग्रेनेड कराता हूँ, और यार इन्होंने भी परफेक्ट ग्रेनेड कराया, लेकिन आपका भाई किसी तरीके से ना बस अल्लाह अल्लाह करके बच जाता है। बाकी यहाँ पे बाहर से एक बंदा आता है, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया, लेकिन ये बच जाता है। इतनी देर में सामने से बंदे पुश करवा देते हैं, तो आपका भाई भी जरा चौसम तरीके से बाहर भागता है। मैंने कहा चलो इस बंदे को पकड़ लेते हैं जल्दी जल्दी, इसको मैंने नोक किया लेकिन फिनिश नहीं करवाया। मैंने कहा पूरा स्क्वाड है, पूरे स्क्वाड को मारेंगे, लेकिन ना ये जो एक किल जो है मेरा चोरी होने वाला है, ये पीछे से कोई और इलादा बंदा आगे मार जाएगा। अरबी स्क्वाड होता है ये भी, आप लोग किल मैच वगैरह से देख सकते हो। बाकी इसको भी हमें नोक किया, बाकी मेरे चेक करो किल पे किल चोरी हो ही जा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके भाई को। जल्दी से मैं किट मारता हूँ, इतनी देर में दो बंदों का और पुश आ जाता है, और ये ज़ॉम्बी भाईजान ने शुक्र है चपेट नहीं मारी, नहीं तो शायद मैं नोक ही हो जाता। और ये बंदे भी भाई किस चीज़ से पुश दे रहे हैं, शॉटगन से भाई, वाह ज़बरदस्त।
खैर यहाँ पे इन दोनों को भी मैंने नोक किया और इन दोनों को यहाँ पे फिनिश करवा देता हूँ। बाहर वाले जो बंदे होते हैं ना उनका जो किल होता है यार वो चोरी हो जाता है, मतलब दुख दुख दर्द पीड़ा। बाकी ये रही मेरी वीडियो, मेरी सेंसिटिविटी वगैरह ठीक है, आपको कंट्रोल कोड भी मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट मार लेना कि प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपने पास, सेव कर लेना और जैसे आप अप्लाई करोगे मेरी सेंसिटिविटी और मेरा कंट्रोल कोड दोनों आपके पास आ जाएंगे। तो भाई आप लोग भी फुल चौसम तरीके से बंदे शंदे पेला करना और मज़ा आएगा आपको भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी यूज़ करके। बाकी अगर वीडियो में न्यू हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। मुझे भी नींदो आ रही है लेकिन सोना नहीं भाई, रैंक कुछ करना है आपके भाई ने, तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।